ओके सो हम लोग को जैसा कि पढ़ना था एग्जेम्पशंस, ठीक है। अभी तक हम लोग ने कैपिटल गेन में क्या क्या पढ़ लिया है ये देख लीजिए सब लोग। हम लोगों ने कैपिटल गेन में काफ़ी हद तक चीज़ें समझ ली हैं। कैपिटल गेन में हम लोगों ने पहली चीज़ तो ये समझ लिया कि व्हाट इज कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए। तो देर इज़ अ कैपिटल एसेट्स, देर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स, ठीक है। ट्रांसफर टेक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, there must be a capital gain or मतलब profit या gain होना चाहिए including loss, such profit or gain is not exempt from taxes। फिर हम लोगों ने capital assets के बारे में पढ़ लिया, what is capital assets, क्योंकि capital assets को बेचने पे ही हम लोग को capital gain होता है। next हम लोगों ने ये पढ़ लिया था short term capital assets किसे कहते हैं, long term capital assets किसे कहते हैं। तो short term capital assets जाहिर सी बात है अगर हम बात कर रहे हैं क्या शेयर, mutual funds, UTI, zero coupon bonds, इन सब की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है साल भर के अंदर का है तो शॉर्ट टर्म, साल भर से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म, ओके। फिर इसके बाद बिल्डिंग एंड लैंड का यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया है इस चार्ट में, लेकिन बिल्डिंग के लिए 24 महीना है, 24 महीने से कम का है तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म। बाकी इसके अलावा कोई भी एसेट होती है अदर एसेट्स, उस केस में 36 मंथ का टाइम पीरियड है, 36 मंथ से अगर कम का है तो शॉर्ट टर्म बोलना, 36 मंथ से ऊपर का हो गया है तो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गई वो। फिर कंपटीशन भी हमने सीख लिया, कंपटीशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कंपटीशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दोनों का ही कंपटीशन हम लोगों ने किया भी था विद द एग्जांपल्स। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। भाई जाहिर सी बात है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस टाइम पे हमें इंडेक्सेशन निकालना पड़ता है। इंडेक्सेशन हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई चीज अगर तुमने बहुत पहले कर खरीद रखी है, अगर तुमने कोई एसेट सपोज करो खरीदी हुई है 2001 में खरीदी, 2004 में खरीदी और उस समय 2 लाख का खरीदा, और आज के समय में अगर 2020 में अगर तुम उसको बेच रहे हो तो तुम्हें ये देखना है कि उस समय जो मैंने 2 लाख रुपए दिया उस 2 लाख रुपए की आज के समय में क्या वैल्यू है। क्योंकि जब तुम प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आज अगर तुम उस चीज उस एसेट्स को अगर तुम बेच रहे हो 40 लाख में तो तुम उसमें से 2 लाख नहीं लेस करोगे, क्योंकि 2 लाख तो उस समय दिया था, उस 2 लाख का समय आज के समय में क्या वैल्यू, सपोज करो उस 2 लाख का आज के समय वैल्यू 6 लाख है तो तुम 40 लाख में जो सेल किया उसमें से 2 लाख नहीं लेस करोगे बल्कि 6 लाख लेस करोगे, तो वो इंडेक्स का हमें यूज करना होता है, ओके। फिर कंपटीशन इंडेक्सेशन तो आ गया सब लोग को, कंपटीशन भी हम लोगों ने कर लिया था, ये असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग को बेसिकली कवर करना था एग्जेम्पशंस, जैसे कि कंपटीशन में हम लोग पढ़ते हैं हम लोग ग्रॉस एलटीसी जब निकाल लेते हैं उसमें से लेस करना होता है एग्जेम्पशंस, तो अभी तक एग्जेम्पशंस की बात ही नहीं हो रही थी क्योंकि एग्जेम्पशंस हमने पढ़े ही नहीं थे, सारे एग्जेम्पशंस सेक्शन 54 में दे रखे हैं, तो ये 54 एग्जेम्पशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। अब एग्जेम्पशंस इन कंप्यूटिंग कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन ये तो छोड़ो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेक्शन 54 है, 54 बी है, 54 डी है, 54 ई सी है, 54 एफ है, मेजरली हम लोग इसी पांच को कंसीडर करते हैं, 54 जी और 54 जी ए भी दे रखा है, इसके कम केसेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सेक्शन हमें बड़े इत्मीनान से पढ़ना है, अगर पहला सेक्शन आपने समझ लिया तो बाकी सारे सेक्शंस ईजिली समझ में आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि आप पहले सेक्शंस को यानी कि सेक्शन 54 को अच्छे से समझो, ठीक। तो चलिए सेक्शन 54 हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन समझना होगा सेक्शन 54 को समझना होगा। तो सिचुएशन नंबर वन व्हाट इज दिस, सिचुएशन नंबर वन ये कहता है कि असेसी हु कैन क्लेम एग्जेम्पशन, कौन असेसी 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है, तो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ये डिडक्शन है, यानी ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। हम सभी को पता है पर्सन 7 तरह के होते हैं, लेकिन 7ों पर्सन इस 54 के एग्जेम्पशन को क्लेम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ एसेट का मतलब होता है किस तरह के एसेट के लिए इस एग्जेम्पशन का वो यूज करेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म, ठीक है। यानी अगर लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी अगर कोई अगर बेच रहे हैं खरीद रहे हैं तो उस केस में ही हम लोग इसका यूज करेंगे। एसेट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन,
54 में किस एसेट के लिए एग्जेम्पशन मिलता है? तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हो, ध्यान रहे, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हो उसी केस में सिर्फ और सिर्फ 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा। ये नहीं कि सपोज करो तुमने कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बेची है या फिर ज्वेलरी बेची है और उस पर तुम बैठ करके 54 का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, नहीं, 54 का एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सपोज करो तुम अपना कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तुम बेच रहे हो, ऐसा घर जिसमें तुम रह रहे थे या रहने वाला अगर कोई भी हो, तो ऐसे में अगर तुम उसको अगर बेच रहे हो और उस पर अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है और उसमें कुछ एग्जेम्पशन चाहिए, तब 54 एग्जेम्पशन तुम क्लेम कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि एसेट्स टू एक्वायर टू गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन। अगर तुम्हें एग्जेम्पशन चाहिए तो एग्जेम्पशन, सपोज करो तुमने कोई अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है और उस पर करीबन तुमने 25 लाख की प्रॉफिट कमा के रखी हुई है, तो 25 लाख की प्रॉफिट को तुम्हें एग्जेम्पशन चाहिए या उस पर तुम्हें टैक्स नहीं देना चाहते हो, तो गवर्नमेंट कहती है कोई टेंशन नहीं है, आप क्या करो, आप एक एसेट खरीद लो, लेकिन कौन सी एसेट खरीदना है वो भी बताया गया है। ओनली वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तुम इंडिया में कहीं भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो। यानी कि अगर तुमने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है तो तुम क्या कर लो, एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो, ठीक। तो अगर तुमने अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और उसकी जगह पे तुम क्या करते हो, एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर खरीद लेते हो तो तुम्हें एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, तो तुम एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो। अब सवाल उठता है सर टाइम लिमिट क्या होगी? सर पिछला जो रेजिडेंशियल, हाँ हाँ बिल्कुल बोलो बोलो, हाँ बोलो सर, जैसे पिछला रेजिडेंशियल जो मेरा है वो 25 लाख में, अगर हम और जो नया खरीदे सर रेसिडेंशियल हाउस वो अगर हम 10 लाख का खरीदते हैं तो सर 15 लाख पे टैक्स तो देना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वही चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एग्जेम्पशन की लिमिट कितनी होगी। यस सर, आगे लिमिट भी है। तो पहले तो टाइम लिमिट है, पहले टाइम लिमिट बता रखा है कि टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग द न्यू एसेट, न्यू एसेट को कब तक खरीदना है। मान लीजिए मैंने एसेट आज बेचा है तो मेरे को कब तक नया एसेट खरीद लेना है, तो कहता है परचेज या तो एक साल बैकवर्ड यानी एक साल पहले खरीद लो, है ना। कई लोग होते हैं ना कि पहले प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं फिर बेचते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं पहले प्रॉपर्टी बेचते हैं फिर खरीदते हैं। तो ऐसे लोग जो पहले प्रॉपर्टी खरीद के फिर पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उनके लिए एक साल का समय है, ठीक है। और जो लोग बेचने के बाद खरीदना चाहते हैं, यानी पुरानी प्रॉपर्टी पहले बेच दे रहे हैं फिर बाद में खरीदेंगे, तो उनके लिए दो साल का समय है, ठीक। पहले खरीदना चाहते हो बेचने से तो एक साल का समय, बेचने के बाद खरीदना चाहते हो तो दो साल का समय, और अगर तुम कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो बेचने के बाद ही कंस्ट्रक्शन कराइएगा, वो भी 3 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो कराना चाहते हैं वो 3 साल के अंदर आप करा लीजिएगा बेचने के बाद, लेकिन 3 साल के अंदर, ठीक। ये टाइम लिमिट है कि कब हमें नया एसेट को एक्वायर कर लेना है, खरीद लेना है। अब सॉल्व करते हैं सर अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा, कितने का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। तो इसमें साफ साफ कह रखा है इन्वेस्टमेंट इन न्यू इन, अरे दो दो बार इन्वेस्टमेंट लिख दिया, अब सही है, इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट्स द और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको मैं बता दूं कि इस फॉर्मूले को पढ़ो या तो मेरा फॉर्मूला पढ़ लो। मेरा फॉर्मूला क्या है कि जितने भी देखो तुम्हें कैपिटल गेन जितना भी हुआ था पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने पे, जितना भी तुम्हें कैपिटल गेन हुआ था, उस कैपिटल गेन में से जितना अमाउंट तुमने नई एसेट को खरीदने में लगा दिया एग्जेम्प्ट, अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। जैसे अभी पीयूष ने बोला कि 25 लाख मान लो सर प्रॉफिट होती है, मैंने बेचा भले 40 लाख में प्रॉपर्टी है लेकिन मेरी प्रॉफिट तो 25 लाख थी। जरा ध्यान से समझना, मैंने प्रॉपर्टी तो 40 लाख में बेची लेकिन भाई खरीदा भी तो था, जो खरीद प्राइस उसमें से लेस किया तो जाके मेरा कैपिटल गेन कितना आ रहा, 25 लाख। तो 25 लाख रुपए मेरे को कैपिटल गेन हुआ है, और उस 25 लाख में सपोज करो मैंने 15 लाख की नई प्रॉपर्टी खरीद ली तो 10 लाख में मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मैंने 25 लाख की कैपिटल गेन हुई थी, मैंने पूरा 25 लाख की नई प्रॉपर्टी खरीदी तो पूरा 25 लाख रुपए एग्जेम्प्ट। या फिर 25 लाख रुपए मेरे को कैपिटल गेन हुआ था, मैंने 30 लाख की नई प्रॉपर्टी खरीद ली, मेरे हाथ में तो 40 लाख है, मैंने बेचा 40 लाख में है, प्रॉफिट 25 लाख हुई है,
मैंने 30 लाख की नई प्रॉपर्टी खरीद ली तो पूरा 25 लाख रुपए मेरा एग्जेम्प्ट, 1 रुपया मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यही है कि कैपिटल गेन जितना आपको हुआ है उसमें से जितना अपने पैसा नई प्रॉपर्टी को खरीदने में यूटिलाइज कर लिया, एग्जेम्प्ट अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिवोकेशन ऑफ एग्जेम्प्शन इन सब्सिक्वेंट ईयर। क्या जो आपको ये एग्जेम्प्शन मिला है कल को ये रिवोक हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, रिवोक हो सकता है अगर तुमने चालाकी की। चालाकी क्या किया? इफ द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड विदिन 3 ईयर ऑफ इट्स एक्विजिशन। अब चालाकी क्या किया तुमने? बहुत अच्छा किया तुमने, क्या किया, नया प्रॉपर्टी खरीद भी लिया टाइम लिमिट के अंदर। और तुमने नया प्रॉपर्टी इसीलिए खरीदा था, मतलब क्या होता है सर? रिवोक का मतलब खत्म करना, तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या तुम्हारा एग्जेम्पशन खत्म किया जा सकता है? तो कह रहा हाँ, तुम्हारा एग्जेम्पशन गवर्नमेंट खत्म भी कर देगी अगर तुमने चालाकी किया, यानी नई प्रॉपर्टी तुमने खरीदा, गवर्नमेंट को धोखा दिया, नई प्रॉपर्टी खरीदा तो है ना, 2 साल के अंदर तुमने खरीद भी लिया है और ताकि इसीलिए खरीदा था ताकि एग्जेम्पशन ले लो, और जैसे ही तुम्हें एग्जेम्पशन मिला तुमने उस प्रॉपर्टी को फिर बेच दिया, कितने समय के अंदर? 3 साल के अंदर। तो गलती से भी ये काम मत करना, अगर तुमने नई एसेट जो खरीदा है उसको अगर तुम 3 साल के अंदर तुम उसे बेच देते हो, ठीक है, एक्विजिशन के 3 साल के अंदर अगर उसे बेच देते हो तो जो तुम्हें एग्जेम्पशन मिला था 25 लाख का, वो तुम्हारा क्या मान लिया जाएगा? वो तुम्हारा वापस इनकम मान ली जाएगी और उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। और अभी अभी जो ट्रांसफर किए होंगे वो एसेट, उस पर भी कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो उस पर भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये गलती मत करिएगा, अगर बेचना भी है तो 3 साल के बाद बेचिए नई एसेट को भी। सवाल उठता है टैक्सेबिलिटी ऑन रिवोकेशन ऑफ एग्जेम्पशन। जो रिवोक होगा एग्जेम्पशन उसको क्या मान के टैक्स लिया जाएगा? वो जो रिवोक होगा ना उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। जो रिवोकेशन तुमने किया 3 साल के अंदर तुमने बेच दिया अगर उस नई प्रॉपर्टी को, तो पिछला जो कैपिटल गेन आपको एग्जेम्पशन मिला था 25 लाख का उसको कैपिटल गेन माना जाएगा, वो भी कौन सा? शॉर्ट टर्म, यानी सीधे वो इनकम में जुड़ जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे तो 20% टैक्स लगता है लेकिन जब इनकम में जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि वहां तो 30% तक टैक्स जा सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान होगा। अब देखिए, देखिए यहाँ पे क्या रखा है, अप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम लागू होती है? तो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम है क्या? जैसे कि आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक्सेल का थोड़ा हेल्प हम लोग लेते हैं। जैसे अभी अभी आपने एक चीज समझा कि अगर कोई एसेट अगर मैं आज बेच रहा हूँ, मैं अगर आज सेल कर रहा हूँ तो मुझे पता है बिफोर, ठीक है ना, सेल करने के पहले 1 साल के अंदर अंदर हमें एसेट खरीद लेनी होती है। सेल करने के बाद अगर हम बात करें तो 2 साल के अंदर अंदर हमें एसेट खरीद लेनी होती है, ठीक है ना, और 3 साल के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन का मौका मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का समय है ना, परचेज करने के लिए, बाई करने के लिए 2 साल का समय है, और सेल करने से पहले 1 साल का समय भी है बाई करने के लिए, ठीक। अब सपोज करो सेल किया मैंने, मेरे को जो सीजी हुई, कैपिटल गेन हुई, वो करीबन 25 लाख रुपए की कैपिटल गेन हुई है। अब इस 25 लाख के ऊपर मैंने सेल तो कर दिया, अब ये जैसे ही साल खत्म होगा, जो साल मैंने सेल किया, सपोज करो वो सेल कब किया है, 2018-19 में, 2018-19 में मेरे को कैपिटल गेन हुआ 25 लाख रुपए। जैसे ये साल खत्म होगा मार्च 2019, गवर्नमेंट कहेगी मेरे को टैक्स दो, तो मैं गवर्नमेंट को कहूंगा अरे सर कहे को टैक्स देंगे, मेरे को टैक्स नहीं देना है इस कैपिटल गेन पे। नॉर्मली गवर्नमेंट क्या मांगेगी, ये LDC जी हुई है तो आपसे कितना टैक्स मांगेगी, 20% टैक्स मांगना शुरू कर देगी, भैया मेरे को 20% टैक्स दो इस 25 लाख पे। फिर तुम गवर्नमेंट को बोलते सर अभी मेरे को खरीदने का मेरा का है, मेरे पास 2 साल का समय है ना, तो मैं खरीदूंगा इसे, अभी मेरे पास समय है। तब आपने गवर्नमेंट को बोला तो, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा सुनो अभी खरीदे तो हो नहीं ना, तुम्हारे पास कब तक का समय है, 18-19 में तुमने बेचा है, 19-20-21 तुम्हारे पास 2 साल का समय है, कब कब तुम 19-20 में भी खरीद सकते हो,
और 2021 में भी खरीद सकते हो। तो ये 2 साल का तुम्हारे पास समय है, ठीक है ना। तो 19-20 में भी खरीद सकते हो, 2021 में भी खरीद सकते हो। फिलहाल तो 18-19 खत्म हो रहा है ना, अभी खरीदे तो हो नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है तुम इस पे पहले टैक्स जमा कर दो, यानी इस 25 लाख रुपए की जो प्रॉफिट तुमने कमाई है इसके ऊपर तुम 20% टैक्स जमा कर दो, यानी तुम 5 लाख रुपए टैक्स जमा कर दो, ठीक है। और ये टैक्स जमा करने के बाद जब तुम खरीदना तो तुम क्या करना, इस 5 लाख का रिफंड ले लेना कि तुमने उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया, मैं तुम गवर्नमेंट तुम्हें रिफंड कर देगी। तो बताओ ये सिस्टम सही है कि गड़बड़ है? गड़बड़ है सर, बिल्कुल सही गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? कि गवर्नमेंट को फिर पहले जमा करो फिर वापस लो, तो रिफंड लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं कि टैक्स दें। तो हमने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने वो रखा, अच्छा ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, अगर आप बचना चाहते हो कि 18-19 जो 25 लाख की प्रॉफिट है आपको आगे जाके खरीदना है या फिर बनवाना है। बनवाने के लिए आपको पता है कितना समय मिला है? बनवाने के लिए तो 3 साल का समय, 19-20, 20-21 और 21-22, कितने समय आपको मिला हुआ है, इतने समय के अंदर बनवा सकते हो तुम, ठीक। तो फिर तुम क्या करो, गवर्नमेंट ने तुम्हें एक ऑप्शन दिया है, या फिर क्या करो, मत दो टैक्स। तुम क्या करो, तुम किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाओ और वहां पे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम खुलवा लो, CGES हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में उसे। CGES मतलब होता है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। ये किसी भी नेशनलाइज बैंक में खुलता है और उसमें ये पूरा 25 लाख रुपए जो कैपिटल गेन तुमने कमाई है वो सिर्फ जमा कर दो। अब इसमें तुम्हें देखो बेनिफिट क्या होगा, इसमें तुम्हें 2 बेनिफिट है। पहला नंबर, नो टैक्स डिपॉजिट, कोई टैक्स नहीं जमा करना है, ठीक है ना, कोई टैक्स तुम्हें नहीं जमा करना है 18-19 में। तुम 21-22 तक तुम्हें छूट रहेगी, 21-22 तक तुम इस पैसे को यूटिलाइज कर लेना, 25 लाख को नई एसेट को खरीदने में या कंस्ट्रक्शन कराने में यूटिलाइज कर लेना। तुम्हें उस कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा नंबर बेनिफिट क्या होता है, ये तो मैंने पहला बेनिफिट बताया। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, जो आपका जो जमा होगा 25 लाख रुपए उस पर आपको इंटरेस्ट अर्न होता रहेगा, तो ये भी बेनिफिट है तुम्हें। और अगर तुमने 3 साल तक उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कराने में, खरीदने के लिए 2 साल तक यूटिलाइज नहीं किया, देन ऑटोमेटिकली उसमें से 20% टैक्स कट जाएगा। इज दैट क्लियर? तो उसको आप टाइम रहते हो आपको उसे यूटिलाइज कर लेना है। तो ये था कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। बाकी यहाँ पे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के बारे में डिफाइन किया हुआ है। इफ द न्यू एसेट इज नॉट एक्वायर्ड अप टू द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न्स इनकम, देन द टैक्स पेयर मे डिपॉजिट द मनी इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम विद अ नेशनलाइज्ड बैंक, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक जैसे SBI हो गया, इलाहाबाद हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, है ना, इन सब किसी भी बैंकों में, इलाहाबाद बैंक, कहीं भी जाकर के आप इस पैसे को जमा कर दो और वहां से एक रिसीट ले लो। वो रिसीट ही तुम्हारे पास रहनी चाहिए और तुम उसको अपने ITR में फाइल कर देना, तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस साल, ठीक। पीयूष समझ में आ गया? यस सर, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए सर। जैसे अगर वो कैपिटल गेन स्कीम अगर लेते हैं हम बैंक से, तो सर वो अगर बीच में हमको कोई काम पड़ता है पैसे की, तो पूछ सकते हैं कि नहीं सर? नहीं, तो बिल्कुल सही है। उस पैसे को आप यूज कहाँ करना है, उस पैसे को यूज उसी जगह पे करना है। एग्जेम्पशन लेना है तो आप उस पैसे को किस में यूज करिएगा, उसी बिल्डिंग के या जो भी प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में या परचेज में। परचेज कर रहे हो मान लो कोई फ्लैट या बिल्डिंग, तो भाई उसी नाम पे चेक काट दो तो क्लियर हो जाएगा किस खाते से किस खाते में गया, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो आपको बिल्डिंग मटेरियल खरीदना हो रहा होगा, जो भी चीजें हो सब बिल्स विल संभाल के रखना, और क्या, और कंस्ट्रक्शन दिख कर रहे हो तो दिखाना पड़ेगा, क्लियर। यस सर। जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको कैश निकालना होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, 20,000 से ज्यादा कैश नहीं निकालने देती है एक दिन में,
बैंक में ऐसा भी रूल है कि कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में 20,000 ज्यादा नहीं निकाल सकते, एक 10,000 है या 20,000 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जाओगे फिर हर दिन निकालते रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो एक बार फिर से मैं 54 सेक्शन फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। 54 का एग्जेम्पशन पहली चीज तो सिर्फ और सिर्फ कौन क्लेम करेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ। अब आप समझ भी गए होगे इसका, अगर कॉमन सेंस निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो कि क्यों इंडिविजुअल एचयूएफ को ही सिर्फ क्यों मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंपनी की तो होगी नहीं। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रहने वाला घर किसका होगा, इंडिविजुअल का होगा या एचयूएफ का होगा, और तो किसी का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या रिलायंस कंपनी का कोई रेजिडेंशियल हाउस होता है, रिलायंस कंपनी कोई कहीं रहती है क्या? तो यानी कि बाकी फर्म हो गया इन सब का कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए ही इसका एग्जेम्पशन मिलता है। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स किस तरह के कैपिटल एसेट्स के ऊपर मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ना कि शॉर्ट टर्म। देन नेक्स्ट किसके लिए है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एसेट्स के लिए है ये। आपको क्या करना होगा, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है, ये नहीं कि आप ये दो ठो खरीद ले, दो खरीदेंगे तो यानी आपके पास बहुत पैसा है, फिर गवर्नमेंट कहती है जब आपके पास दो दो घर खरीदने के लिए पैसा है तो फिर आपको एग्जेम्पशन की क्या जरूरत है, आपके पास तो बहुत पैसा है। तो इसलिए आप नया एसेट खरीदिएगा तो एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदिएगा, और लिमिट क्या दे रखी है इन्होंने, एक साल पहले या तो खरीद लेना, दो साल बाद या तो खरीद लेना, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का समय। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जितना कैपिटल गेन का अमाउंट तुमने, हाँ बोलो सर, जैसे मैंने पिछला वो रेजिडेंशियल हाउस बेचा था, मान लीजिए 25 लाख में दो हाउस खरीद लेते हैं सर, तब क्या होगा सर? नहीं, आपको एक ही घर खरीदना है, इसीलिए देखो साफ साफ बोल दिया वन हाउस प्रॉपर्टी, वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, दो नहीं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखो दे रखा है कि कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, तो ये तो समझ गए सब लोग, जितना कैपिटल गेन होता है आपके पास, आपने जैसे आप बार बार बोल रहे हो 25 लाख की आपकी प्रॉफिट है, उसमें से आपने जितना यूटिलाइज कर लिया नई प्रॉपर्टी को खरीदने में उतना एग्जेम्प्ट, अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। ये लोअर वाला कॉन्सेप्ट से अच्छा है। सर जो वो थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्ब हो रहा पीयूष, जो भी है वॉइस डिस्टर्ब। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब सर रेसिडेंशियल हाउस ही थोड़ी ना खरीदूंगा मैं, मतलब मैं जन बनवा सकता हूँ। नहीं, यहाँ पे साफ साफ कहा है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रहने वाला घर, चाहे उसको तुम किराए पे उठाओ चाहे जैसा भी उठाओ, लेकिन वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब तुम कह रहे हो बिजनेस कॉम्प्लेक्स खरीदने के लिए, बलदेव प्लाजा या समथिंग, नहीं वो सब चीजें नहीं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ एग्जेम्पशन हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर तुमने नई प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर बेच दिया तो। टैक्सेबिलिटी, जब रिवोक होगा तो उसको क्या मान के टैक्स उससे लिया जाएगा, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के टैक्स लिया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, जी हाँ यहाँ कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम चलती है, आप वहाँ पे पैसा जमा करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हो, कितने समय तक, जितने समय तक टाइम लिमिट आपको मिला है नई एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो ये था सेक्शन 54 जो किसके लिए बनाया गया था, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है, अगर मैंने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, जैसे लाइक बहुत से लोग रिलोकेट होते हैं ना, जैसे दिल्ली में रह रहे थे अब दिल्ली वो छोड़ करके अपने घर पे आना चाहते हैं, या फिर गोरखपुर में रहते थे वो लोग गोरखपुर छोड़ करके अब दिल्ली जाके शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ की प्रॉपर्टी बेचेंगे वहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो ऐसे लोग के लिए एग्जेम्पशन है। या दिल्ली से रिलोकेट होकर गोरखपुर आ रहे हैं तो वहाँ पे अपना प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं और यहाँ पे आके प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो बिल्कुल ऐसे लोग के लिए एग्जेम्पशन है, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पे अब 54B की बात करेंगे हम लोग, तो अगला सेक्शन अब आसान हो जाता है पढ़ने के लिए क्योंकि ऑलरेडी हमें पिछला सेक्शन समझ में आ गया। तो 54B किसके लिए, ये भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। अब आप कॉमन सेंस लगा लिए होगे, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ की ही होती होगी। अब इसमें कह रखा है कि शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में भी आप ये एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सवाल उठता है कि क्या एसेट एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए, तो वो है एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी साफ साफ बात कर रखा है कि इफ इट वॉज यूज बाय द इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स और HUF और फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज एटलीस्ट 2 ईयर इमीडिएटली प्रायर टू ट्रांसफर, यानी एटलीस्ट 2 साल पहले तक उस पर खेती हो रही थी। खेती अभी तक हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खेती होना बंद हो गया होगा, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखना कि 2 साल पहले तक उस पर खेती हो रही थी तो उसको एग्रीकल्चरल लैंड ही ट्रीट किया जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड अब सॉल्व होता है कि क्या खरीदना होगा जो एग्जेम्पशन हमें क्लेम करेंगे, तो तुम क्या करो, एग्रीकल्चरल लैंड बेचे हो तो क्या करो, नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लो। एग्रीकल्चरल लैंड मे बी इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया, अब चाहे कहीं भी खरीदो इसको, रूरल एरिया में खरीदो चाहे अर्बन एरिया में खरीदो, ठीक है, कहीं भी। अब ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में तो कैपिटल एसेट मानी ही नहीं जाती है, यानी यहाँ पे जो हम एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं किधर की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अगर रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड होता है तो याद है हम लोग ने पढ़ा था उसे कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता है, तो वहाँ कैपिटल गेन का पॉइंट ही नहीं आता। लेकिन अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तुम्हारी, तो अर्बन एरिया में अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चर लैंड उसे तुम बेचते हो, उस पर अगर कुछ प्रॉफिट होती है, कैपिटल गेन अगर वहाँ हो रही है 25 लाख रुपए, तो उसको तुमको बचाना है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम चाहे अर्बन एरिया में चाहे रूरल एरिया कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड तुम खरीद लो। अब सवाल उठता है सर खरीद तो ले, समय कितना है हमारे पास, 2 साल का फॉरवर्ड यानी आगे, ठीक है, यहाँ पे पहले का समय नहीं मिलता, आगे का ही समय मिलता है, बेचने के बाद ही खरीदिए। लेकिन कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर आप खरीद लीजिए, अगर 2 साल के अंदर खरीदते हैं तो बिल्कुल आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, तो यही वही सेम कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट मतलब क्या, तुमने जितना तुमने खरीदने में लगा दिया नई कैपिटल एसेट्स को, ठीक है, नई कैपिटल एसेट्स को खरीदने में जितना भी पैसा तुमने लगा दिया कैपिटल गेन का, वो एग्जाम अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। जैसे 25 लाख रुपए तुम्हें प्रॉफिट हुई थी उस एग्रीकल्चर लैंड को बेचने में, अब उस कैपिटल गेन में तुमने 25 लाख में से तुमने क्या किया, नई प्रॉपर्टी 20 लाख की खरीद ली, तो 5 लाख बच गया ना, तो वो टैक्सेबल हो गया। लेकिन अगर पूरा यूटिलाइज कर लिया तुमने नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में, तो पूरा एग्जेम्प्ट। अब सवाल उठता है सर रिवोकेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है कि अगर तुमने नई प्रॉपर्टी को भी 3 साल के अंदर बेच दिया तो जो भी एग्जेम्प्शन तुम्हें मिला था वो रिवोक हो जाएगा, और उसको क्या मान के गवर्नमेंट टैक्स लेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के टैक्स लेगी। और कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम यहाँ यूज कर सकते हैं, हाँ इस पैसे को तो किसी भी नेशनलाइज बैंक में जमा करके 2 साल तक, क्योंकि 2 ही साल का तुम्हारे पास समय है नया एसेट को खरीदने के लिए, तुम 2 साल का वक्त ले सकते हो, ठीक। तो ये था कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के बारे में। तो 54 एग्जेम्पशन, तो अगर हम लोग इसको अगर सिंपली समझे तो बहुत ही सिंपल सेक्शन है ये 54। अगर तुम ऐसे सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि 54 एग्जेम्पशन देखो है किसके लिए, इंडिविजुअल HUF के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर किसी ने बेची है, कोई कैपिटल गेन कमाया है तो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो खरीद ले तो उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 54B में एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं, भी इंडिविजुअल HUF के लिए, एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ इंडिविजुअल HUF की ही होती है, कोई कंपनी तो एग्रीकल्चर लैंड लेती नहीं है, कोई फर्म तो एग्रीकल्चर लैंड लेती नहीं है, तो इसलिए 54B भी सिर्फ इंडिविजुअल HUF को ही एग्जेम्पशन मिलता है, एग्रीकल्चर लैंड के केस में मिलता है। एग्रीकल्चर लैंड अगर आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, उस पर कैपिटल गेन कमाए हो, तो आप कोई नए एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब 54D की बात कर रहा हूँ, तो 54D मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, डी किसके लिए है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग समझते हो सब लोग, आपके पास कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप फैक्ट्री आपकी चल रही थी या कोई इंडस्ट्री आप कर रहे थे, तो उनके लिए है, तो उनके लिए यही है, बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर तुमने कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेची है तो तुम फिर क्या करो, कोई नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लो तो तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। ये तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। अब सवाल उठता है इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग किसकी हो सकती है, तो 7 असेसी में से किसी भी असेसी की हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे कहा है एनी पर्सन। देखो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिविजुअल HUF की होती है, एग्रीकल्चर लैंड भी इंडिविजुअल HUF की होती है, लेकिन इंडस्ट्री तो कंपनी इसकी भी होती है, रिलायंस इंडस्ट्री यू नो वेरी वेल, और
फर्म की भी हो सकती है, एसोसिएशन की भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे ये जो एग्जेम्पशन है ये कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई भी पर्सन। अब सवाल उठता है सर कैसी एसेट के लिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए। लैंड बिल्डिंग फार्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड विच इज यूज्ड फॉर 2 ईयर फॉर बिफोर, एक तरह से कह लो इंडस्ट्रियल पर्पस प्रायर टू इट्स एक्विजिशन। यानी आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है, वो कंपल्सरी एक्विजिट की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो जो प्रॉपर्टी थी आपकी, जो भी इंडस्ट्रियल लैंड थी, वो एटलीस्ट 2 साल पहले तक वहां पे, 2 ईयर बिफोर एटलीस्ट वहां पे क्या हो रहा था, वहां कोई इंडस्ट्री चल रही थी और कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू गवर्नमेंट ने उसे एक्विजिट किया, मैंने उस जगह को, तो जाहिर सी बात है तुम्हें अपनी इंडस्ट्री छोड़नी पड़ रही है वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है, ठीक है ना। जैसे आपका रोड रोड बनने लगा या कुछ इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो तुम वो छोड़ करके वहां से जाओगे और फिर नई जगह खरीदोगे, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है यार आपको एग्जेम्पशन हम दे देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या खरीदना पड़ेगा, तो लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज ही। जैसे तुम मान लो तुम्हारा बरगदवा, गोरखपुर में बात करो, तो बरगदवा में हमारा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया था, अब वहां पे सपोज करो अब शहर वहर बस गया या गवर्नमेंट को कोई काम वाम कराना है, अब तुम्हारी इंडस्ट्री उसकी जद में आ रहा है, तो तुम्हारी इंडस्ट्री को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ही कहती ठीक है चलो आप गीडा में आप जगह ले लो, तो आपने वहां से अपनी जगह छोड़ी और यहाँ पे गीडा में तुमने जगह ले ली, तो बिल्कुल तुम्हारा वहां पे जो बेचने में जो तुम्हारा कैपिटल गेन हुआ है, उसमें जितना पैसा तुमने इस नई जगह पे गीडा में तुमने इन्वेस्ट कर दिया, उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। समय कितना मिलता है, सवाल उठता है 3 साल का समय मिलता है, तो 3 साल तक आप उस पैसे को यूटिलाइज कर लो, तो जाहिर सी बात है नई इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग, लैंड तो तुम खरीद लोगे, फिर उसमें अपना फैक्ट्री सेटअप वेटअप करने में टाइम लगता है, ठीक है, तो 3 साल का समय। फिर है कितना पैसा सर टैक्सेबल होगा, तो आप समझ लो सिंपल सा है, वही केस है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया न्यू एसेट में, आपको सपोज करो पुरानी इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग बेचने में 25 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 25 लाख रुपए तुमने अगर नई प्रॉपर्टी में पूरा इन्वेस्ट कर दिया जितना भी कैपिटल गेन है, तो एग्जेम्प्ट, अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। तो अगर सवाल उठता 3 साल के अंदर वहां पे देखो क्या, इफ द न्यू एसेट, अगर तुमने नई इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग भी 3 साल के अंदर बेच दिया, तो जो भी तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा वो रिवोक कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और उसको क्या मान के तुमसे टैक्स लिया जाएगा, तुमसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के तुमसे टैक्स लिया जाएगा। अप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, जी हाँ अप्लीकेबिलिटी है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम की, तुम कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में तुम पैसा जमा कर सकते हो और 3 साल तक उसका बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि 3 साल की टाइम लिमिट है, 3 साल के अंदर तुम्हें खरीद लेना। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट सेक्शन की, आज के लिए बस इतना ही है, आज 54EC तक हम लोग पढ़ेंगे, F, G, GA हम लोग कल पढ़ेंगे। 54EC क्या कहता है, 54EC की बात करेंगे, तो 54EC किसके लिए है, एनी पर्सन, ये भी किसी भी के लिए है। सवाल उठता है सर इसमें है क्या, लॉन्ग टर्म, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, यहाँ किसकी बात हो रही है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड हो बिल्डिंग हो, अब लैंड मतलब क्या, एग्रीकल्चर लैंड सर नहीं है, सिंपली प्लॉट है, ठीक है, बिल्डिंग है सर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग हो या दोनों हो। अब कह रहा है क्या, तुमको क्या एसेट खरीदना पड़ेगा, तुम अगर उस पर एग्जेम्पशन चाहते हो तो तुम बॉन्ड खरीद लो, बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का, या इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का बॉन्ड तुम खरीद लो, ये गवर्नमेंट के ही बॉन्ड्स हैं, घूम फिर के पैसा गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, ठीक है। पहले क्या कह रहा था, किसी भी नेशनलाइज बैंक में कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डाल दो पैसा, और इस बार कह रहे हैं बॉन्ड्स खरीद लो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का। NHAI सब लोग जानते होंगे, जितना भी हाईवे बनते हैं NHAI बनाती है, नेशनल हाईवे। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स खरीद लो, तो भी गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। लेकिन बॉन्ड्स मतलब एक एग्रीमेंट होता है कि हमने आपको इतने समय के लिए ये पैसा दिया है ना,
और इतने समय के बाद हम आपसे पैसा, मतलब क्या होता है जो भी हम बॉन्ड्स खरीदते हैं उस पर एक लिखा रहता है इंटरेस्ट रेट, हर साल आपको उस पर एक इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब चाहे वो मैच्योरिटी पे पूरा इंटरेस्ट लेना चाहते हो या फिर हर साल लेना चाहते हो, तो हमें मिलता रहता है। ये बॉन्ड्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, ज्यादातर लॉन्ग टर्म में ही होते हैं। तो ये बॉन्ड्स में तुमने पैसा लगा दिया तो तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन हाँ बॉन्ड्स में पैसा कब तक लगा देना है, 6 महीने तक, 6 महीने का समय, यानी कि जिस दिन तुमने बेचा वो लैंड बिल्डिंग या बोथ, तुमको NHAI या इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड तुम 6 महीने के अंदर खरीद लो तो तुम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। और हाँ अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, साफ साफ कह रहा है इन्वेस्टमेंट न्यू एसेट, यानी वो जो बॉन्ड वॉन्ड तुमने खरीदा है, इन्वेस्टमेंट न्यू एसेट्स एंड द कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से क्या हो कम हो, सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम 50 लाख। बस यहाँ पे इस सेक्शन में बस यही प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन तुम कितना क्लेम कर सकते हो, 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा का एग्जेम्पशन तुम किसी भी तरीके से चाह के भी नहीं कर सकते हो, ठीक। यानी यहाँ पे देखो कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी खरीदने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है लैंड बिल्डिंग बेचो तो उसका जो पैसा तुम क्या करो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो लंबे समय के लिए, होता है 8-10 साल के लिए, 15-15 सालों के लिए होता है, 12-12 सालों के लिए होता है, तो उसमें पैसा लगा दो तुम्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ समय कितना है, 6 महीना। और हाँ मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना क्लेम कर सकते हो, मान लो 80 लाख की प्रॉफिट हुई तो 80 लाख का एग्जेम्पशन तुम क्या क्लेम नहीं कर सकते, मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 लाख का ही मिलेगा। सवाल उठता है कि अगर तुमने नई एसेट जो खरीदा अगर उसको ट्रांसफर कर दिया विद इन 5 ईयर, 5 साल की बात कर रहा, अभी तक 3 साल की बात कर रहा था, जो तुमने नई प्रॉपर्टी खरीदी यानी जो बॉन्ड वॉन्ड खरीदा, बॉन्ड वॉन्ड को 5 साल के अंदर बेचना मत, अगर तुमने 5 साल के अंदर बेच दिया, तुमने एग्जेम्पशन लेने के NHAI का बॉन्ड खरीद तो लिया लेकिन तुमने फिर उसे 5 साल के अंदर अगर बेच दिया तो जो भी एग्जेम्पशन मिला है वो खत्म कर दिया जाएगा और उसको क्या मान के टैक्स दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों बोला जा रहा है इसका भी रीजन बताता हूँ, क्योंकि देखो चला सकते हैं 3 पे करके बॉन्ड्स, NHAI है, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये सब बॉन्ड्स है ना, तो ये तो सिक्योरिटीज हो गया और सिक्योरिटीज के केस में आपने पढ़ा है 1 साल से ऊपर का हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है ना, और आप उसे बेच रहे हो 5 साल के अंदर, 1 साल से ऊपर हो गया है, 5 साल के अंदर है तो वो क्या माना जाएगा, वो तो लॉन्ग टर्म ही है ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान करके उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी और एग्जेम्पशन भी खत्म कर देगी। और यहाँ देखो CGES अकाउंट में तुम नहीं डाल सकते पैसा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पैसा है ऑलरेडी किस में जा रहा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास आ रहा है भाई, नेशनलाइज बैंक में रख रहे हो तब भी गवर्नमेंट के पास है, और अगर बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो, ये बॉन्ड NHAI का, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का, गवर्नमेंट का ही बॉन्ड है, तो घूम फिर के गवर्नमेंट के पास ही पैसा आ रहा है तो अब दो दो ऑप्शंस क्यों देगा, एक ही जगह पैसा रख। तो बस आज के लिए इतना काफी।